दोस्तों, ताकतवर लोगों में आपने ब्रूस ली और जैकी चैन का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन इनके अलावा भी दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन यानी दुनिया में सबसे ताकतवर होने का खिताब हासिल है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पांच ऐसे ही लोगों के बारे में जिनकी विशालकाय बॉडी और ताकत देखकर आप सभी को ये मानना ही पड़ेगा कि सच में ताकत के मामले में इन्हें कोई नहीं हरा सकता। ब्रियान सॉ अमेरिकन प्रोफेशनल स्ट्रॉन्गमैन और वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन टाइटल को 4 बार जीत चुके हैं। कोलोराडो में इनका जन्म हुआ और बिना किसी पर्सनल ट्रेनिंग के 2005 में इन्होंने डेनवर स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का टाइटल जीता। इस टाइटल को जीतने के बाद ब्रियान ने स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बनने के लिए कड़ी मेहनत शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद ब्रियान ने प्रोफेशनल लीग ज्वाइन की और अपने प्रोफेशन को जारी रखा। 2009 को कनाडा में हुई चैंपियनशिप में केवल ब्रियान ही एक ऐसे कॉम्पिटिटर थे जो 6 एटलस स्टोन उठाने में कामयाब रहे और इन पत्थरों का वजन 300 से 420 पाउंड था। ब्रियान का वजन 440 पाउंड है। ये 6 फुट 8 इंच लंबे हैं। इनके बाइसेप्स का साइज 25 इंच और चेस्ट 62 इंच की है। 2017 में ब्रियान ने एर्नोल्ड क्लासिक कॉन्टेस्ट जीता था। आज ये खुद ट्रेनिंग करते हैं और ट्रेनिंग के अलावा ये दूसरे कई एथलीट को भी ट्रेन करते हैं। एडी हॉल इंग्लिश प्रोफेशनल स्ट्रॉन्गमैन है। जनवरी 15, 1998 को इनका जन्म स्टैफर्डशायर में हुआ। ये 6 फुट 3 इंच लंबे हैं और इनका वजन 410 पाउंड है, जिस वजह से ये बीस्ट यानी दानव के नाम से भी मशहूर हैं। एडी ने पहले बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग ली, जिसके बाद इन्होंने वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। 2010 में इन्होंने इंग्लिश स्ट्रॉन्गमैन चैंपियनशिप कॉन्टेस्ट जीता और एक साल बाद यूके स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का खिताब जीता। इसके बाद भी ये नहीं रुके और मार्च 2015 में 1019 पाउंड वजन उठाकर इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया, जिसके बाद 2015 में इन्होंने 1021 पाउंड वजन उठाकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया और जुलाई 2016 में इन्होंने 1100 पाउंड की डेड लिफ्ट से सबके होश उड़ा दिए। ये वजन लगभग हाफ टन था और इतने भारी वजन ने लगभग इन्हें मार ही दिया था, लेकिन इसके बावजूद एडी ऐसा करने में कामयाब रहे। डायमेट्रो खालिद जी। जब भी बात किसी स्ट्रॉन्गेस्ट मैन की हो तो सबसे पहले उसकी हाइट, वेट और वो कितना वजन उठा सकता है, ये सब देखा जाता है। डायमेट्रो एक घोड़ा उठा सकते हैं। ये किसी हल्क की तरह ताकतवर हैं। इन्होंने जिस घोड़े को अपने कंधों पर उठाया था वो जिंदा और बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन डायमेट्रो ने ऐसा क्यों किया ये कोई नहीं जानता। घोड़े को उठाने के दौरान डायमेट्रो और घोड़े को किसी भी तरह की चोट नहीं आई, लेकिन इस दौरान डायमेट्रो का बैलेंस जरूर बिगड़ गया था और ये घोड़े के साथ जमीन पर गिर गए थे। लेकिन यही ऐसा कारनामा नहीं है जो इन्होंने किया हो, इसके अलावा भी ये 63 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। जेड्रुनास सेविकास पृथ्वी पर मौजूद सबसे ताकतवर इंसान हैं, क्योंकि पृथ्वी पर केवल कुछ ही लोग हैं जिन्होंने एर्नोल्ड स्ट्रॉन्गमैन क्लासिक कॉन्टेस्ट को लगातार 2 बार जीता हो, और जेड्रुनास ने तो इस कॉन्टेस्ट को लगातार 6 बार जीता है। इसके अलावा इन्होंने वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कॉन्टेस्ट को भी कई बार जीता है। अपने करियर में इन्होंने पावर लिफ्टिंग में 20 से ज्यादा रिकॉर्ड बनाए। अगर आप सोचते हैं कि इनका सफर आसान था तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वेट लिफ्टिंग का इनका सफर आसान नहीं था। इस सफर के दौरान जेड्रुनास को कई खतरनाक चोटों का सामना करना पड़ा, जैसे कि 2011 में इन्हें गहरी चोट आई थी जिस वजह से इनका करियर लगभग तबाह हो गया था। लेकिन 9 महीने बाद ही सेविकास ने ल्यूथेनियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप को जीता और हाल ही के गुजरे साल 2014 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कॉन्टेस्ट को जीता। कई बार जिंदगी में सफलता को पाने के लिए आपको जरूरत होती है मोटिवेशन की, जो कुछ भी हो सकती है, जैसे प्यार, फैमिली या कोई बड़ा बिजनेसमैन जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं। और इसी तरह लैलास के लिए उनकी मोटिवेशन थी एक ल्यूथेनियन वेटलिफ्टर। 2005 में इन्होंने जूनियर ल्यूथेनियन चैंपियनशिप जीती और 2010 में ल्यूथेनियन चैंपियनशिप।
इसके बाद भी इन्होंने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हुई कई चैंपियनशिप में पार्ट लिया और 2012 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कॉन्टेस्ट में अपने आइडल से मिलने के लिए पार्टिसिपेट किया, जहां इन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया। दूसरा स्थान प्राप्त करने के बाद उन्होंने और मेहनत की, जिसके बाद 2013 को इन्होंने एर्नोल्ड क्लासिक चैंपियनशिप में पहला स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही इन्होंने अप्रैल 13, 2013 को जर्मनी के फीबो इवेंट में स्ट्रॉन्गमैन चैंपियनशिप लीग को भी जीता। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आप इनसे ज्यादा वजन उठा सकते हैं? क्या आपने भी कभी कुछ ऐसा करने की सोची है? कमेंट जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए। हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।